हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सबको अनुज की तरफ से एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो अभी आप देख रहे होंगे भाई मैं हूँ कहाँ, क्या हालत है अपनी, आसपास देख रहे हो भाई। ये हमारा मैंने जो देसी अपने चिक्स के लिए मुर्गों के लिए शेड बना कर रखा है, जैसे आपको पता है हमारे घर में थोड़ी देसी मुर्गे हैं। क्योंकि पापा अब बाहर पहले काम करते थे प्लम्बर का, वो काम मुश्किल है, मतलब हार्ड वर्क, तो अभी हम इसी को बढ़ा रहे हैं। तो ये तो ये है ना, ये देखो ये पुराने हमारे पास ये मुर्गी हैं, मतलब ये एग देती हैं, तो एग सेल होते हैं, मतलब वहाँ से काम चलता रहता है। तो अभी जब हम गए थे इस चक्कर श्रीनगर, तो सुनील और पापा ने लाए और चिक्स के बच्चे भाई, अभी उनको डालेंगे दलिया। मुझे पता नहीं ना अभी किसको कैसे डालना है ना, तो पहले भाई उसको सुनील को फोन करके सारा पूछना पड़ता है। मेरे को भी सिखा रहे, इनको ऐसे डाल दे, यहाँ पकड़ो, मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ इधर। अभी ये डालने चिक्स के लिए पानी, देखो कितने मेहनत कर रहे, कमाल कमाल। इसमें भर के पानी को रखेंगे, पानी बड़ों को भी डाल दे रहा हूँ पानी। आज सुबह सुबह ही ना धूप भी ज़्यादा तेज़ हो गई है, मम्मी कह रहे हैं अपना झाड़ू वगैरह लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले जब शादी का सिस्टम था तब तो गाय वगैरह बांधते, पर ये मैन गाय के लिए बनाया हमने, यहाँ गाय वगैरह ही बांधते, तो मुर्गों वाला काम मैं ख़त्म कराया। अब मुझे एक जगह कहीं और जाना था, किसी रिश्तेदार के घर, पर उससे पहले जाना है पापा के साथ काम पे एक जगह, वहाँ वाश वेशर हैंड वाश फिट करना है। तो सुनील जाता है, पर सुनील वो गया है कहीं काम से। चलें, काफ़ी टाइम बाद भाई ये काम करने जा रहा हूँ प्लम्बर का, मतलब पहले तो बड़ा किया, तो ये निशान पड़ के डॉक्टर को चेक करवाए, देखते कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब देखते हैं कहीं और पापा भी आए सामान लेके, थोड़ा ही पहुँचा है भाई यहाँ पे हमको काम करना है। ये गाँव गाँव में भाई मेरा ऐसा मानना है मेरा भाई, बाकी मुझे नहीं पता, कई लोग शर्माते हैं भाई अपने काम को, जैसे अपने पापा काम नहीं बताते कि वो क्या काम करते हैं, जो अपना काम नहीं बताते भाई। काम कोई भी छोटा नहीं, तो मेहनत कर रहे हो भाई, काम कोई छोटा नहीं है। उस तरफ मेन रोड बस आधे घंटे का काम है, आधे घंटे में वापस घर, फिर वापस तैयार होना, फिर वहाँ मक्की तैयार हो रही है। आधा काम तो ऑलमोस्ट हमने कर दिया। आजकल ना जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना, थोड़ा काम भी ईजी हो रहा है। पहले के जो वाश वेशर थे उसको ना दो वो बड़े से नेट बोल्ड लगा के उसको टांगना पड़ता था, आजकल ऐसा है वो रैक वाले आ गए, मतलब बढ़ गया, बस हमको वहाँ रखना है और कनेक्शंस देने। काम वगैरह ख़त्म करके आके घर पे यार पसीना, थोड़ा सा गाड़ी को धोया थोड़ा सा ही, पता नहीं इतना कुछ तारें टूट गई हैं कि लाइटें सी वो चल नहीं रही हैं। ये अपना पानी वाला स्टेशन, दिन के बज के एक और अभी हम जा रहे हैं जहाँ पे जाना, जिस रिलेटिव के घर में, तो तकरीबन वहाँ से तीन चार बज जाएंगे आते आते, फिर वापस घर पे, फिर वही घर का वापस काम जाके, क्योंकि सुनील आज मुश्किल ही आएगा, वो मासी जी से गया मासा जी को चेक करवाने, अगर वो रिपोर्ट मिली तो आ जाएगा, नहीं तो शाम को आएगा भी तो लेट ही आएगा, मेरे को फिर मुर्गों वगैरह का सारा करना पड़ेगा। वहाँ रोड पे कुछ मरा हुआ है शायद से, कोई जानवर है, ऐसे भाई हालत इतनी खराब हो गई है ना फेस की, कैमरे में थोड़ा सही दिख रहा भाई, गाड़ी आ गई आगे से, ये ना दाग दाग से हो गया, चेक करवाया कोई समझ नहीं आ रहा। ओ भाई हो आए, ये भी एक ना होता है कोई फंक्शन वगैरह हो ना जा पाओ, बाद में जाना पड़ता है क्योंकि नाराजगी बन जाती है। क्यों ये हो गया खत्म, अभी कहीं नहीं जाना, अब जाते हुए आइसक्रीम खाएंगे मस्त सीधा घर पे, क्योंकि कल भी थक गए थे, कल तो सुबह में जल्दी उठ गया था आज। ओके फिर आइसक्रीम नहीं, मैं आइसक्रीम खाएगा मस्त रबड़ी वाली, मैं गोलगप्पे भी खाएगा। चलो देखते हैं। मैंने आज ना आपको पता है गदर 2 मूवी जो कि रिलीज हो गई है, गदर 2 मूवी भाई काफ़ी सही मूवी जैसा कहा जा रहा है, तो आज ही थिएटर्स में लगी है। तो रजेश और जम्मू गए थे, रजेश अक्षर गौरव, मैंने सोचा मैं यहाँ से ऑनलाइन बुक करूँ, बट टिकट नहीं खाली, सब सीटें फुल हैं, रात 11 बजे शो की खाली, उनसे पूछता हूँ करेंगे जाएंगे तो। देखो थोड़े बहुत पैसे खर्च होते, पर है कि यार लाइफ भी इंजॉय करनी चाहिए। अब घर जाऊँगा पहले पापा से डिस्कस करता हूँ, मम्मा को बोलता हूँ कि हम चलते हैं मूवी देखने, क्योंकि हम अगर जाएंगे दो बंदे तो गाड़ी लेके जाएंगे अपनी, तो इस पे दो जाएं चार जाएं तेल तो उतना ही खाएगी, तो सोच रहा हूँ मम्मी पापा के अगर तैयार हो जाएं, अगर सुनील आता करता, फिर मैं कल शाम की यहाँ अभी से बुक कर लेता हूँ टिकट्स, फिर उनको लेके चलते हैं। अब पापा तो बोलेंगे, पापा कहते हैं यार क्या फ़ायदा है वहाँ पे देखने का या उस पे देखने का, लेकिन पापा को ऐसा और कुछ नहीं है, पापा से बोर हो जाते हैं, पापा गाड़ी में बैठ, पापा मतलब देखो हमारा ऐसा, कल ही पापा बोर हो गए, क्यों? क्योंकि हमारा था हम फोटो खींचना रुकना, पापा है कि जल्दी चलो यार, पापा को खींचने नहीं थे, पापा जाके बोर हो रहे, अभी है कि मूवी देखने जाएंगे, अभी पापा तो क्या बोलेंगे, पापा बोलेंगे वो तो हम टीवी में दे सकते हैं फोन भी दे सकते हैं, पर थिएटर पे अलग मजा, क्योंकि अभी गए नहीं ना, मतलब मेरी सोच पहले ऐसी थी कि थिएटर पे, और अभी भावना कभी गई नहीं है, भावना की चीज सोच रही है देखते मूवी उस पर भी देख सकते हैं, पर थिएटर पे अलग मजा है। जो भाई नहीं गए भाई एक बार जरूर जाए यार, पहुंचाए भाई ले लिया मेरा बड़ी, घर पहुंच गया था भाई, थोड़ी देर रेस्ट की, फिर से मेरे को आना पड़ा सुनील के और गए थे ना मासी जी को लेके, तो वो आ रहे हैं सारे अपने घर, फिर मुझे बाइक पर ओवरलोडिंग करना पड़ा सामान,
अब गाड़ी लेके थोड़ा सामान था, गाड़ी लेके आते भाई थोड़ा दूर है, इतना खर्च जिस काम के लिए जरूरत नहीं, तो फिर तो भाई ओवर हो गया ना। मैं बाइक पे ये थोड़ा सामान लाना था सुबह के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, शाम को कुछ बनाने के लिए, कुछ ना कुछ सामान वगैरह जो घर वाले ने मंगवाया। अब लेके मैं धीरे धीरे यहाँ से गिरने से बचते, दिन को यहाँ हल्की हल्की बारिश हुई, ट्रक हल्की बारिश हुई, उसका गर्मी तेज़ हो जाती है। घर पे भी भाई काम काज चलता रहता है तो इंसान बिजी रहता है। अभी देखो गाय को चराया, इसको पानी पिला रहा हूँ, इसको पानी पिलाना है, फिर इसको वहाँ बांधना है, फिर मुर्गों को। तो गुड मॉर्निंग गाइस, भाई कैसे हो आप सब, होप सब ठीक ठाक होंगे भाई। आज नेक्स्ट डे, तो भाई अभी आज आप सोचो सुबह सुबह हम तैयार हो गए यार भैया, आराम से यस आज हम हो गए सुबह सुबह रेडी। रात को तो हमारा प्लान नहीं था कहीं जाने का यार, एक तो मैं घर हो तो मैं सोचता हूँ मैं घर में रेस्ट करूँगा, बट भाई ऐसा हो ही नहीं पा रहा, मतलब ऐसा हो ही नहीं पा रहा ना। कुछ काम था भावना को वहाँ पे गांव में, मतलब इसके घर में, वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट में साइन करने थे, कुछ कोई लोन वगैरह का इशू चल रहा था, तो बस सुबह पहले वहाँ निकला क्योंकि शाम को हमको जाना है मासी जी के घर रजौरी, जो कल सुनील यहाँ पे गया था, जिन मासरा जी को जो बीमार थे ना, वो जॉब करते हैं तो मतलब लास्ट चेकअप करवाने गए थे, वो आप फिट है तो फिर वो जॉब पे चले जाएंगे, फिर 5-6 महीने घर रहेंगे। उन्होंने बोला कि मतलब आज मैं घर में हूँ तो आज आप चक्कर लगाओ। तो शाम को प्लान वो भी है वहाँ जाने का रजौरी, यहाँ से तकरीबन 60-70 किलोमीटर है मेरी मासी का घर, वहाँ पे मैं मम्मी पापा और भावना में 4 बंदे वहाँ जाएंगे। बस भाई इतना ही, अपना 4 लेन में चलना था मतलब हाईवे पे, अब यहाँ से सारा कच्चा और लिंक रोड आ जाएगा। हालांकि इसका भी काम चलने वाला है, क्योंकि इसका काम इसलिए नहीं चल रहा ना क्योंकि 4 लेन बनने वाली, ठेकेदार सोच रहा होगा अगर इसका मैंने सिंगल का टेंडर ले लूँ, मैं सिंगल इसमें अभी लुक डालूंगा अच्छे से बनाऊंगा तो फिर उसके बाद वापस से ख़राब करनी पड़ेगी ना। अभी मार्केट थोड़ी सुनी सुनी सी होगी, गाड़ियाँ बाईपास निकल जाती हैं सब। देखो घूमने हम दोनों जा सकते हैं ना, अभी हम लेगा लास्ट हम टूर लगा के, उसके बाद वापस प्लान भी बनाओ, पापा भी नहीं माने जाने के लिए। तो अभी जैसे गदर 2 मूवी आई है ना तो सबको देखने का मन है, जैसे मैं कल भी कह रहा था, अब हम तो चले जाएंगे। देखो मेरे को पापा से परमिशन लेनी है, हालांकि देखो भाई हम खुद कमाते हैं खुद करते हैं, फिर भी मैं भी घर से के निकलता हूँ। अभी हम कहाँ जा रहे हैं, कितने पास में, सुबह पहले मैंने मम्मी को बोला, मम्मी ने पापा से पूछा, परमिशन मिली तो हम निकले। नहीं मतलब यार चाहे तुम भी जितने मर्जी बड़े हो जाओ यार, चाहे तुम जो मर्जी करो, पर माँ बाप है। तो अब है कि अभी हमें भी जैसे मूवी देखने हम तो जा सकते हैं, दोनों को कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरा है कि कोशिश है मम्मी पापा को साथ ले जाऊँ यार, क्योंकि देखो हम हमारी अभी एज नहीं है, मतलब हम तो घूमे, हमारी बड़ी एज है घूमने फिरने की। मम्मी पापा और जब वो हमारे नहीं थे तब लाइफ कुछ और थी, तब नहीं था भाई ना हमारे पास गाड़ी थी, बाइक भी हमने मेरे देखो मतलब बाइक हमने अभी ली है, मतलब मेरी होश में जब मैं 12th थी उसके बाद बाइक ली है, उसके पहले पापा और कहीं जाना हो पैदल जाना कहीं भी जाना हो तो भाई उन्होंने मतलब पूरी ज़िंदगी ना सिर्फ हमें पालने पोसने में अपनी ज़िंदगी निकाल दी, भाई खुद की ज़िंदगी कभी इन्जॉय नहीं की। तो बस अब कोशिश है मम्मी पापा दोनों का, जिद करेंगे गप्पे पड़ेंगे थोड़े, चलो वो बोलते खर्चा करते हो, मतलब पापा अपनी जगह सही कहते हो, कहते हैं तुम खर्चा करते हो बिना मतलब, अभी गाड़ी भी शादी हुई फिर खर्चा, यहाँ से हम जम्मू जाएंगे मानो 2000 का ये गाड़ी तेल खाएगी और टिकट लगेगी 3-4 हज़ार खर्चा आ जाएगा, पर मेरा ऐसा मानना देखो यार हम कमा रहे हैं ना, आज जिंदगी कुछ पता है, अब हम चले जाएंगे ट्रक पे आपको पता है ट्रक लाइफ कैसी है, आज जाएंगे वापस कहीं वो ऐसा होता है पता चलता है कि वापस जिंदे आएंगे या नहीं आएंगे, मतलब जो लाइफ है अभी गुस्सा हो जाएगी, मतलब जो लाइफ है यार सच है ऐसा ना। मैं इसको कहता हूँ यार कभी नाराज नहीं रहा कर, मतलब होता है ना छोटी बातों में, क्योंकि जिंदगी का पता नहीं है, तुम किसी से नाराज हो तुम उससे लड़ाई करके बैठे हो, कल को वो बंदा इस दुनिया में ना हो तुम पीठ पीछे बोलोगे यार बंदा सही था मैं उससे नाराज क्यों था, तो भाई फायदा ही क्या, इससे अच्छा किसी से नाराज ही ना हो यार। नहीं मैं तो छोटी मोटी बात में लड़ाई करता हूँ फिर मैं बस सही हो जाता हूँ, मैं जैसे पहले बात नहीं करता जो भी था मैं सबसे बात करता हूँ यार, मतलब क्या पता जिंदगी का कब क्या हो जाए ना। तो भाई आप भी खुद भी घूमो, ऐसे छोटी मोटी चीज़ें मूवी देखना हो गया छोटा मोटा घूमना हो गया खुद भी जाओ और साथ में मम्मी पापा को लेके जाओ यार, क्योंकि मम्मी पापा को तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए बस तुम्हारा साथ, तो तुम्हारा हो सकता है तुम सिर्फ उनसे पूछो उनके लिए वही बात बहुत बड़ी हो कि हमारे बेटे या बेटी ने हमारे से पूछा यार। कहीं जगह से रास्ता ठीक है कहीं जगह ख़राब है, छोटी गाड़ी के लिए चलो मतलब फिर भी ठीक ही है, जैसे भाई ट्रैक्टर आ रहा बेचारा कितने खड्डे हो जाएगा, ये ट्रैक्टर के लिए ख़राब, उसके बाद ट्रक के लिए लोडी ट्रक बंदा फिर भी निकालेगा, जो छोटे मोटे खड्डे बड़े खड्डे होंगे तो कुछ तोड़ने का खतरा होगा, पर है कि खाली ट्रक तो बड़ा परेशान हो जाता है इंसान यहाँ से, ये है यहाँ से सही इसके आगे देखो बड़ा बड़ा खड्डा, और यहाँ पे ये गाड़ियाँ चल रही हैं भाई यार सल्यूट है इनको यार, जो डेली यहाँ पे डेली सर्विस चलती है, मतलब वो भी इस रूट में 3-4 चक्कर लगाते हैं जो लोकल में जा रही है सीओर से कालाकोट वाली साइड ना, क्या रोड है एक तो ये इशू है यार, एक कुंडा टूट गया एक दिन मेरे से यार, पता नहीं कि मैं जल्दी से मैंने खिड़की बंद करा था, मेरे किसको पकड़ा था, मैंने इसको पकड़ा अभी अंदर से खुलता नहीं है, तो मेरे को बंदा चाहिए बाहर से, क्योंकि छोड़ो गाड़ी खोली जाए
अपने भाई ये थे मतलब ससुराल, अब सारा काम खत्म, जो भी था छोटा काम था एक, मतलब मैंने कहीं साइन करे थे भावना को, वो सारा हो गया खत्म, अभी बच गए तीन। और अंशु की छुट्टी मैंने सेक्शन करवाई क्योंकि इनके स्कूल में भी, इनके स्कूल में सभी स्कूलों में 15 अगस्त की तैयारी चल रही, तो ये किसी फेस्टिवल में नहीं था तो इनको छुट्टी है। कल 13 तारीख है, 14 और 15 को तीन छुट्टियाँ इसको आ गई, तो इसको 15 अगस्त दिखाएंगे अपने वहाँ पे, तो 15 तारीख को इसको छोड़ आएंगे। तो मैंने बोला वैसे भी सुनील अकेला है, देखते हैं अगर सुनील अगर इसको हमारे साथ जाना रजौरी तो रजौरी चल पड़ेगा, नहीं तो घर में रुकेगा, क्योंकि हम जाएंगे फिर रजौरी मासी जी के घर, मैं भावना मम्मा पापा। अभी 3 बज गए, घर पहुँचते हमें बजेंगे 4, उसके बाद हम फिर चलेंगे। तो भाई निकला यहाँ से बस पापा की कुछ दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए, तो आगे से हमारे एक मामा जी भी जाएंगे, मैं पापा मम्मी भावना भी, और यहाँ से अभी 60 किलोमीटर जाना है हमको, 5 बजे 7 बजे तक पहुँचेंगे वहाँ पे मासी के घर। आज का भाई ब्लॉग ऐसे ही रह गया, ये अंशु पहले अंशु के घर से हम अपने घर आए, फिर मैं मामी जी पापा, मतलब पापा ने देखा ये पापा आए थे सामान लेके, उसके बाद हम पहुँच गए रजौरी ऐसी कुछ लोकेशन पे। अब यहाँ से सुबह गाड़ी घुमाएंगे यहाँ से रिवर्स करके, ये गाड़ियाँ खड़ी है, एक गाड़ी अंदर चलेगी वो जो फिक्स है, अंदर जाती है थोड़ी चौड़ी है ना, इसको यहाँ से हम मोड़ ही लेंगे, वो बहुत जगह है, 2-3 आगे पीछे करके, फिर सुबह यहाँ से निकलेंगे घर के लिए, उस रास्ते से आए हम। मिलेंगे एंड ब्लॉग पर, होप आपको ब्लॉग सही लगे भाई, बस 1-2 दिन घर पे 15 अगस्त तक वेट कर रहे हैं घर से निकले, उसके बाद तो फिर बाहर के ब्लॉग ही आएंगे, क्योंकि पहले लाइफ अलग थी, अब लाइफ चेंज हो गई है थोड़ी। आज था ही कुछ नहीं खास, बस उनके क्या चले गए ससुराल में बैठे थे, बैठ रहे थे, तभी कुछ दिखाया नहीं खास। मिलते हैं एक एंड ब्लॉग पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।